मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के बच्चे, कल हम आप लोगों को नादान दोस्त है ना, दोस्त लिखना है नादान दोस्त। तो ये नादान दोस्त का हमने शब्दार्थ और लेखक परिचय करा दिया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन वन का क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, इसलिए हम तुम लोग का क का उत्तर लिखे हैं। जैसे तुम्हारा वर्कबुक में लिखा हुआ है केशव ने अंडे कहाँ दिए थे, ख यहाँ पे तुमको बस उत्तर लिखना है और आंसर करना है। तो बस हम यहाँ पे लिख दिए हैं, उसको उतारिए। केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे, एक बार देख लीजिए। हमें हैं केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। ग नंबर में है दोनों के दिलों में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ये तीन ग का उत्तर हो गया। वन नंबर का घ का उत्तर है दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। आप लोग का ये वर्क बुक में जो आप लोग लिखते हैं तो यहाँ क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ आंसर लिखेंगे। लेकिन हम चूंकि इसमें नहीं लिखेंगे, स्कूल का बुक है इसलिए हमने कॉपी पे किया है, आप अपने वर्क बुक में लिखिएगा, कॉपी में नहीं। फिर दो नंबर का क है क्वेश्चन जो आपका है, बाबूजी कहाँ गए थे, बाबूजी दफ्तर गए थे। ख नंबर है कि अम्मा जी को सोता हुआ देख दोनों बच्चे चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल गए। ठीक है, तो हम जो भी लिख रहे हैं सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अपना क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ग नंबर में है बाहर आकर केशव ने चिड़िया के अंडों की हिफाजत की तैयारी शुरू कर दी। घर नंबर में है स्टूल की चारों टांगे बराबर नहीं थी, जिससे दबाव पड़ने के कारण स्टूल हिल गया था। अंगा का उत्तर है दो नंबर। अब तीन नंबर में चलिएगा। तीन का क है तीन नंबर, ख का है दो नंबर, ग का है दो नंबर, घ का है एक नंबर, समझे। जैसे चिड़िया को देखने की धुन में दोनों बच्चों को किसकी सूद नहीं रहती थी, तो क्या आंसर है, दूध और जलेबी की। तो आप लोग का उसी तरह तीन का क है, मिला लीजिएगा। अब चार का क है दोनों बच्चे, उसका आंसर हम किताब में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्कबुक में, दोनों बच्चे चिड़िया के अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। ख नंबर चिड़िया के बच्चों को भूख मिटाने के लिए दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। ग नंबर घोंसले को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी को टहनी पे टिका कर छाता सा बनाया गया। ध्यान देके एक बार देख लीजिए। जहाँ पे है अपना वीडियो पॉज करके तुम लोग उसको कर लेना। चार का क ख ग, चार का अब हम लोग घ देखेंगे। घ में आपका क्वेश्चन है जैसे स्टूल के हिल जाने पे केशव श्यामा को डांटते हुए क्या कहता है, तो स्टूल के हिल जाने पर केशव श्यामा को दबी आवाज़ में डांटते हुए कहता था, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अंगा नंबर है श्यामा की नींद अचानक 4 बजे खुल गई। ठीक है, आज के लिए तुम लोगों को इतना ही करते हैं, तुम लोग इसको लिखोगे। ओके बाय बच्चों।